हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात किए थे एमएस ऑफिस क्या है, सारा कुछ एमएस ऑफिस का हम इंट्रोडक्शन सीखे थे। तो इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस का लेआउट सीखेंगे, जो एमएस ऑफिस में क्या क्या है नहीं है, उसका यूज क्या क्या है, ठीक है। तो वो सारा हम इसमें ओवरऑल सीखेंगे, जो इसका ओवरव्यू है। इसके बाद हम सारा ये जितना भी टैब है इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पंकज सिंह, वेलकम टू एजुकेशन बुक। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, ये वर्ड खुला हुआ है, ये वर्ड का सिंबल है, यहाँ पे ये सेव है, शॉर्टकट ये सेव है, या कंट्रोल एस दबाइएगा तो ये सेव हो जाएगा। कोई कुछ भी आप इसमें लिखिएगा, जैसे ही ये हाईलाइट हो जाएगा सेव होने के लिए, या आप फाइल मेन्यू से आके यहाँ सेव कर सकते हैं। तीन तरीका है कि यहाँ से एक फाइल से और एक कंट्रोल एस, ये क्या है अंडू, अगर कुछ लिखे हैं ठीक है तो वो हटते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ अंडू करेंगे, फिर यहाँ रीड हुआ जो लिखे थे वो फिर से आ जाए, तो यहाँ से इसका यूज होगा, ठीक है। और यहाँ से एक न्यू फाइल आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ आप चाहते हैं कि ब्लैंक पेज आ जाए, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसमें ब्लैंक पेज आ जाएगा। और यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट कैसा दिखेगा, तो ये यहाँ से दिखेगा, देखिए प्रिंट ये इस तरह से दिखेगा। ये सारा शॉर्टकट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रुप ऑफ शॉर्टकट का ये क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब हम बहुत जल्दी यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो उसे फाइल में आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कॉपी करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा, तो यहाँ हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे कट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा। अगर सेव करना है तो फाइल पर आना पड़ेगा, यहाँ सेव करना पड़ेगा। इसमें क्या शॉर्टकट इसलिए दिया हुआ, क्विक एक्सेस टूल बार नाम दिया गया, क्योंकि हम बहुत जल्दी से यहाँ से हम सेव कर पाएंगे। मेरा एक स्टेप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप यहाँ पर, तो ये टाइम जो बच मेरा ये टाइम इसमें सेव होगा। माउस जो यूज करते हैं, जो भी सेकेंड लगेगा वो बचाने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। और इसमें हम बहुत कुछ इसमें जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए आप क्या क्या जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे इसमें टिक कीजिए, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो गया। अगर चाहते हैं इसके अलावा कुछ और भी जोड़ना तो यहाँ मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ ऑप्शन बॉक्स खुल गया, इसमें सब क्या क्या आपको ऐड करना है आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ओके करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इस तरीका से हम यहाँ पे इसको घटा और बढ़ा सकते हैं, और इसको हम नीचे या ऊपर कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर में है तो यहाँ शो रिबन, ठीक है, यहाँ देखिए रिबन के नीचे आ गया, ये सारा टैब इसको बोलेंगे और टैब के नीचे रिबन बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रिबन को हम टैब बोलते हैं। और जितना भी इसमें ऑप्शन है ये सारा ग्रुप ऑफ ऑप्शन को हम रिबन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, रिबन के नीचे, इसको हमें ऊपर करना होगा, शो एबव द रिबन, इतना क्लियर हो गया ये सारा। अब आते हैं यहाँ पे, इसको बोल ये डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ, क्योंकि मेरा अभी जो फाइल है डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट वन हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट नाम से पहले है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट खोले हैं तो डॉक्यूमेंट वन आ गया है। अगर हम कुछ और नाम देंगे यहाँ पे तो नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये वर्ड में खुला हुआ है डॉक्यूमेंट फाइल मेरा, अगर एक्सेल में खोलेंगे तो यहाँ एक्सेल लिखा है, अगर पावर पॉइंट में खोलेंगे तो पावर पॉइंट में खुलेगा। इतना क्लियर हो गया है, ये क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पर ये नाम और किस में खुला हुआ है वर्ड में यहाँ पे। और यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ ये हेल्प है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का जो भी हेल्प है यहाँ से आएंगे, और ये सेम ऊपर नीचे जैसे हम यहाँ पे किए थे सेम उसी का यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख रहे हैं ऑटो हाइड सारा कुछ, फिर हम इस तरह से हटा सकते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं इस तरीका से हम टैब रिबन सब कुछ को हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ शो टैब करेंगे, ठीक है, तो ये टैब शो हो जाएगा, फिर अगर हम शो टैब एंड कमांड्स तो यहाँ सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे आप कोई भी फाइल खोले हुए हैं, ठीक है, टैब मेन्यू कोई भी, तो ऑटो हाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरीका से। इस पर क्लिक किए, इधर क्लिक किए, देखिए हाइड हो गया, ठीक है। तो अगर आप में भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कीजिए, जैसे किसी पर कोई मेन्यू पर भी क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे पिन है, जैसे ही पिन द रिबन करेंगे, अब कहीं भी हम क्लिक करेंगे सेम ये नहीं बंद होगा ये, ठीक है, जो पहले हाइड होता था वो नहीं होगा।
तो ये दोनों भी क्लियर होगा। ये है क्या मिनिमाइजेशन, कोई भी आप काम दूसरा करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं आप ये मेरा जो काम ये कर रहे हैं ये बंद नहीं होती, हम यहाँ मिनिमाइज करेंगे, इसके बाद हम इसमें दूसरा काम कोई भी करेंगे, ठीक है। अब क्या है ये रिस्टोर है, मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, ठीक है। जब फुल स्क्रीन रहेगा तो यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, जब हाफ स्क्रीन रहेगा तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन आएगा, क्लियर है। और इसको क्लोज बोलेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो भी हमको बंद नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ये आपका रूरल हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे पेज में आप लाइन कुछ स्पेस छोड़ते हैं, कोई भी लिखते हैं रूरल, तो वो रूरल आपका ये हो गया, और इधर दोनों साइड से कुछ हम स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका नेविगेशन पेज, इसमें कुछ आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप में ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप जूम में आएंगे, यहाँ रूरल पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, अगर नहीं आप में नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा। अभी मार्जिन ऑटोमेटिक छोड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मार्जिन कम करना पेज का तो यहाँ से इस तरह से करेंगे, अब जो लिखेंगे देखिए इस तरह से लिखा रहेगा, इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी हमको मार्जिन यहाँ से घटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको सारा का, ठीक है। जो आप चाहते हैं अगर आगे पीछे लिखना तो वो भी आप कर सकते हैं ये मार्जिन के यूज करके। चाहते हैं आप ये यहाँ से लिखा हुआ इतना मार्जिन है, हम चाहते हैं पेज नहीं इतना बर्बाद हो रहा ये नहीं हो, आप इसको नीचे से ऊपर इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर है। कि अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये देखिए साइड में क्या है, ये स्क्रॉल बार है, इसे हम स्क्रॉल ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ से नेविगेशन कुछ हम सर्च कर सकते हैं, जैसे डब्लू यहाँ पर मैं लिखा हुआ व्यू WEV, देखिए कहाँ लिखा हुआ, एक जगह लिखा हुआ सी रिजल्ट आगे एक जगह, ठीक है। पेज में बात करेंगे तो कितना पेज में लिखा, सिर्फ एक ही पेज है तो एक ही पेज में ये लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट लिखा है क्या, हम सर्च किए वेव किए, ठीक है। और हम नीचे आ जाते हैं, ठीक, ये पेज 1 of 1 है, अगर हम 10 पेज इसमें रखेंगे तो टोटल 10 पेज दिखाएगा, जितना भी हम पेज रखेंगे वो सारा पेज दिखाएगा। देखिए 2 पेज है और हम दूसरा पेज में है, ठीक है, यहाँ पर दिखाएगा आप कौन सा पेज में है, टोटल पेज कितना है ये दिखाएगा, देख सकते हैं। जैसे पहला पेज में जाते हैं, यहाँ दिखा दिया हम पहला पेज में है, टोटल दो पेज है, और यहाँ पे 3 वर्ड लिखा हुआ, कौन कौन सा लिखा हुआ वर्ड, यहाँ देखिए एक यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए टोटल पेज 2 लिया हुआ, वर्ड 3 लिखा हुआ, कैरेक्टर विदाउट स्पेस का 40 लिखा हुआ, स्पेस विद कैरेक्टर 40 लिखा हुआ, पैराग्राफ 3 है, मतलब एक ये जो है एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एक पैराग्राफ में आप 10 लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उसको बताते हैं हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, RAND करेंगे, इसका ये कमांड है, यहाँ ब्रैकेट देंगे, अगर आपको 5 पैराग्राफ लिखना है तो 5 क्लिक करेंगे, और आपको हर पैराग्राफ में 3 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, जितना लाइन लिखना है इस तरह लिखिए, और ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर दबाइए। देखिए हर पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ में 3 लाइन है, देखिए, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर मार्जिन आप चाहते हैं बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी आप पेज लेते हैं तो उसका सबसे पहले मार्जिन सेट कीजिए, ठीक है। विदाउट मार्जिन प्रिंट आउट अच्छा नहीं आएगा, आगे पीछे हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रिंट आउट करने के लिए आपको सबसे पहले पेज का साइज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, जब हम यहाँ पे टैब जितना भी है वो पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे पेज का साइज सेटअप करना है, ठीक है। अभी इसके लिए इतना ही है, और यहाँ पे ये लैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज में सेट करना चाहते हैं इंग्लिश हिंदी अरबिक सारा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ओके दबा सकते हैं, ठीक है। तब ये वो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये रीड मोड, देखिए यहाँ पे रीड मोड हो गया, इस तरह हम इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जो एक अच्छा ये लग रहा है देखने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा और उनको थोड़ा आँख पर असर पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे ये MS ऑफिस रीड मोड लाया है, जिससे ये दूर से अच्छा दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्रिंट, प्रिंट लेआउट, अगर प्रिंट करेंगे तो हमको इस तरीका से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेब लेआउट, अगर हम इसको ऑनलाइन अगर कोई वेबसाइट पे हम इसको डालते हैं इस वर्ड को, तो इस तरीका से यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये कट गया,
ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हम नेक्स्ट कवर करेंगे ये जूम। देखिए जूम जो है मैक्सिमम 500% होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा 500% मिनिमम जो हटेगा जूम वो 10% होगा, इससे ना ही कम होगा और ना 500 से ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड जो है ये 100 है, ठीक है। अब हम यहाँ से इस तरीके से आ जाते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सारा कुछ कवर हो गया है ओवरव्यू इंटरफेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और ये सारा जो रिबन है इस रिबन। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।